सीआरपीएफ जवान की पत्नी को जब घरेलू झगड़ों से उबकर उसके पति ने छोड़ा तो उसने अवैध संबंधों की तरफ कदम बढ़ा दिए। पहले महिला ने एक बस ड्राइवर से प्यार किया और जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो अपने ऑफिस के ही सहकर्मी से प्यार कर बैठी। बस ड्राइवर ने जब ठीक होकर शादी का प्रस्ताव रखा गया तो महिला ने इनकार कर दिया। इसके बाद जो हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी। ये मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। कानपुर के थाना चौबेपुर के तातियागंज स्थित अपने मायके में रहने वाले सीआरपीएफ जवान की पत्नी आराधना की हत्या उसके बस ड्राइवर दोस्त ने ही की थी। वह किदोई नगर में आराधना के ऑफिस के बाहर से उसको बाइक पर बैठा कर ले गया था और कल्याणपुर के बारह से रोही में तार से गला घोंट कर हत्या कर दी। एसएसपी की स्वाट टीम ने आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार को मीडिया के सामने इस केस का खुलासा किया। एसपी दक्षिण अपर्णा गुप्ता ने बताया कि मृत का आराधना को उसके सीआरपीएफ जवान पति ने घरेलू झगड़ों से उबकर छोड़ दिया था। उस दौरान घर से ऑफिस जाते समय बस ड्राइवर से इसकी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। इस दौरान बस ड्राइवर का एक